मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो लिखो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn, एंड दूसरा होता है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Sn। ये मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn, ये देखेंगे हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, हमें इसका सम चाहिए, ये 1 + 3 + 5, फिर उसके बाद एक मिनट 6 कर लेना यहाँ पे, 6, 10, 15 up to n terms, ठीक है, इसका हमें सम चाहिए। अब बताओ ये एपी जीपी एचपी कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं Tn, और Tn क्या होता है, Sn को हम कैसे लिखते हैं, Sn क्या होता है? है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि हेडिंग ही अपनी यही है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Tn, तो इस क्वेश्चन में हम पहले Tn निकालेंगे, और एक बार Tn मिल गया फिर उसका समेशन करके क्या निकाल लेंगे, Sn निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसको करने का कैसे करेंगे, तो ये जो Sn लिखा हुआ है ये 1 + 3 + 6 + 10 + 15 up to last टर्म क्या होगी इसकी, Tn होगी, है ना। फिर उसके बाद Sn को अगेन लिखना, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखना, एक टर्म शिफ्ट करके लिखना। तो तुम जब इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो यहाँ पे ये 1 + 3 + 6, इसके नीचे 10, इसके नीचे ये Tn-1, एंड आगे कितना आ जाएगा Tn। अब तुम क्या करना, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 1 + 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 + Tn 2 + 3 + 4 + 5, है ना, इस तरीके से बचता जाएगा। बाद में लास्ट में ये क्या बचेगा, Tn - Tn-1, एंड एंड में क्या होगा, -Tn, है ना। ये क्लियर है सभी को, हमने क्या किया है, बस ये लास्ट टर्म तो Tn होगी, ठीक है, ये लास्ट टर्म Tn ले ली, क्योंकि किसी में इसमें क्या होता है Sn का सम, मतलब T1 + T2 + T3 up to Tn तक जाते हैं ना, तो ये एक तरीके से T1, T2, T3, T4 ऐसे है, तो लास्ट टर्म हमने Tn ले ली, ठीक। और हमने अब क्या किया, Sn को अगेन लिखा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, ओके। तो अब हमें ये मिला, तो ये जो माइनस में Tn है उसको अब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो इसके बाद हमें मिलेगा Tn is equal to 1 + 2 + 3 + 4 up to Tn - Tn-1। एक मिनट, ये क्या हो, एक मिनट, वीडियो ऑफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा, अब ये बताओ ये क्या है, समेशन Tn - Tn-1, क्या है ये, AP है, उसका सम अब हम लिख सकते हैं, है ना, समेशन Tn कितने टर्म्स है यहाँ पे AP में बताओ, ये कितने टर्म्स है, N-1, थोड़ा सा सोच समझ के, N टर्म्स यहाँ पे देखो, ठीक है, कितने टर्म्स, N+1, अभी यहाँ पे N+1 टर्म्स है, लेकिन Tn को हम इधर लेके आ गए तो बचे कितने टर्म्स, अब यहाँ पे N टर्म्स,
एन टर्म्स बचे हुए हैं, इसका मतलब ये एन टर्म्स का सम है, ये एन टर्म्स का सम है, ठीक है। तो एपी में इसका जो सम लिखेंगे हम एन बाई टू, फर्स्ट टर्म वन है तो टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, तो यहां से जो टी एन आएगा वो आएगा एन बाई टू इंटू एन प्लस वन, तो ये टी एन आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कैसे निकाला गया है टी एन? माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारे एपी में आने वाले हैं, ठीक है सर। टी एन माइनस वन वो लास्ट सेकंड टर्म होनी चाहिए और टी एन लास्ट टर्म होनी चाहिए ना? कौन सी? अरे नहीं बेटा, ये माइनस ऐसे लिखू क्या मैं इसको? ऐसे लिखू क्या थ्री माइनस वन ब्रैकेट में, फिर इसको ऐसे लिखू क्या सिक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में? है ना, बस वही किया है इसका। जब तुम डिफरेंस करोगे तो इसके एपी में आ जाता है और इस एपी की वो लास्ट टर्म रहती है। सम माइनस में जो आपने सम लिखा है वहां पे टी एन क्या? ये टी एन क्या है आगे? आपने जो सेकंड सम लिया है ना, वन प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस टेन अप टू टी एन प्लस टी एन, हाँ नहीं ये टी एन माइनस वन है, वो उसमें टी एन क्या? टी एन लास्ट टर्म है ना, टीएन लास्ट टर्म है। और सर यहाँ से टीएन निकल नहीं सकते क्या सर? वो टीएन माइनस टीएन, टीएन माइनस टीएन निकल नहीं सकते क्या सर यहाँ से? अरे वो एपी में आ रहे हैं, हम निकालेंगे बाद में। एक बार टीएन मिल गया तो फिर बाद में टीएन माइनस वन आ जाएगा। अभी सिंपली ये देखो, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको, अभी ध्यान से सुनना इसको कैसे किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की लास्ट टर्म कहाँ से आई हमें लास्ट टर्म पता नहीं थी, मैंने टीएन लिए वो लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां देखो ये जो एसएन है इसको हमने ऐसे लिखा, वन प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस टेन, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट जो टर्म होती है इसको एक तरीके से, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी Tn माइनस वन एंड लास्ट टर्म क्या होगी Tn, ठीक है। हमें पता नहीं थी इसकी वजह से हमने लास्ट टर्म Tn ले ली। अब हमने इसी सम को कैसे लिखा है, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर थ्री इसके नीचे, फिर यहाँ पे सिक्स, इस तरीके से इस Tn के नीचे अब क्या आ जाएगा Tn माइनस वन और ये आगे चला जाएगा, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। अब क्या कर दिया हमने, ऊपर वाले में से नीचे वाले को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो इधर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वन, यहाँ पे ये थ्री माइनस वन, यहाँ पे ये सिक्स माइनस थ्री, यहाँ पे ये टेन माइनस सिक्स, फिर ऐसे ही सिमिलरली लास्ट में क्या Tn माइनस वन माइनस Tn, ये मिलेगा हमें सब्ट्रैक्ट जब कर देंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अगर हम लिखेंगे, ये थ्री माइनस वन सिक्स माइनस थ्री टेन माइनस सिक्स को लिखेंगे तो एक तरीके से वो सारे किसमें आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं, ठीक है। ये जीरो इक्वल टू वन प्लस ये जो थ्री माइनस वन है, सिक्स माइनस थ्री टेन माइनस सिक्स, ये टी एन माइनस वन, ये सारे टर्म्स किसमें आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू लास्ट में कौन सी टर्म है, ये इन दोनों का डिफरेंस, तो वो इसी एपी की लास्ट टर्म होगी और ये माइनस में टीएन, तो टीएन इधर आ जाएगा, तो टीएन इधर आ जाएगा, तो ये वन प्लस थ्री प्लस फोर माइनस थ्री, तो ये एपी है और इसके इसमें कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, तो इस एपी का सम हम लिख सकते हैं अब एन बाय टू। फर्स्ट टर्म क्या थी, वन, तो टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, तो यहां से यह आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमें टी एन और एस एन चाहिए अब, और एस एन क्या होगा, समेशन ऑफ टी एन टू इंटू एन प्लस वन,
तो समेशन ऑफ एन इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या आएगा बताओ आप? एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, है ना, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, तो ये एस एन आ जाएगा, उसके नीचे थ्री आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद सिक्स आएगा। एक मिनट, यहाँ पे थ्री है, हाँ देखो इसको, ये मेथड वन कर लेना सर। हाँ बोलो। नेक्स्ट पेज लिखें सर, दो मिनट, एक मिनट लिख रहा है कोई, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, इधर माइनस क्यू करके ऐड, हम ऐड नहीं कर सकते क्या? ऐड करने पे सीरीज ही नहीं बनती है, है ना, हमें सम चाहिए, तो एक नतीजे पे पहुंचना है, तो इसी तरीके से अप्रोच करोगे तो वो हमें दिखता है, ठीक है? ओके सर। सर लास्ट पेज रन क्या, यही मेथड ऑफ डिफरेंस है ना? हाँ यही है मेथड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि हमने ये टी एन कैसे निकाला, डिवा मतलब ये करके सब्ट्रैक्ट करके, इसकी वजह से इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहा जाता है, और ये पहले तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसको हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टीएन निकाल रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके, और फिर उसके बाद एसएन। हो गया सर, डन सर। वैसे आज तो बहुत कम बच्चे हैं, समझ में नहीं आता तुम बच्चों का क्या कर रहे हैं। तीन लेक्चर एक लाइन में। हाँ सर, लाइन खत्म हो गई। तीन लेक्चर लाइन में होने से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है क्या? दोनों क्लास 9:20 और 11:20 तक चले, 9:20 और 11:20 तक चले कैसे आगे बढ़ेगा उनके बीच में जो गैप है ना वो बढ़ा दो। नहीं सर, दोपहर में पढ़ना होता है, कुछ देखते तो ऐसा, दिवाली के बाद देखते हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता सर। पावर बैंक की वजह से चल रहा है, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और चलो अब इसका बहुत आसान सा एक तरीका बता देता हूँ इसको करने का, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है? तो मेथड टू देख लो, यहाँ पे ये एस एन है, वन प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फिफ्टीन अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक हमें जाना था, ठीक है? तो इसको तुम लिख लो सीक्वेंस वाइज, वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है बताओ, थ्री माइनस वन टू, टू सिक्स माइनस थ्री थ्री, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस फोर, इनके बीच का डिफरेंस फाइव, फिर इसके बाद थ्री माइनस टू वन वन वन, तो यहाँ पे बताओ कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है?
2, 3, 4 अरे नहीं, कौन से नंबर का ये, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डिफरेंस, इसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंस लिया है, तो सेकंड नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना, तो सेकंड नंबर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा जो ये टीएन होगा एन में 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, ठीक है, एन में 2 डिग्री का होगा, सिंपल है, ऐसे करते हुए चलना। अगर हमें सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट मिला तो 2 डिग्री का, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट मिला तो 3 डिग्री का, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो ये बताओ टी वन हमें पता है कि सीक्वेंस है सीरीज में टी वन, वन, तो एन की जगह पे वन पुट कर देंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, वन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या किया है मैंने, 1, 3, 6 इसको लिखा, फिर डिफरेंस करते गए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, थर्ड में सेकंड, फोर्थ में थर्ड माइनस, ऐसा किया तो ये फर्स्ट नंबर का डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, फिर अगेन हमने डिफरेंस लिया 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, ये डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब सेकंड नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आया, तो ये जो टीएन होगा एन में 2 डिग्री का एक्सप्रेशन होगा ये वाला एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, हमें टी वन पता है, हमें टी टू पता है, हमें टी थ्री पता है, ठीक है, ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है ना, तो उसी उसकी उसकी हेल्प से हम एबीसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो टी वन था वो वन है, तो ए प्लस बी प्लस सी वन, टी टू कितना है, थ्री है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4a + 2b + c, ये आ जाएगा 3, तो ये सेकंड मिल गया। फिर उसके बाद टी थ्री बताओ कितना है, 6 है, ठीक है, तो ये 6 मिल गया यहाँ से टी थ्री। अब इन तीनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या मिलेगा बताओ, सेकंड माइनस फर्स्ट 3a + b = 2, ये मिलेगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर उसके बाद तुम करना थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5a + b = 3 है ना, यहाँ से मिल जाएगा 5a + b = 3, तो ये फिफ्थ मिला। अब उसके बाद क्या करना, तुम फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस कर दो या फिफ्थ में से फोर्थ को, ऐसे ही स्टेप वाइज बढ़ना, अलग कुछ मत करना इसमें, इसी तरीके से स्टेप वाइज बढ़ोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। तो फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस किया तो बचेगा क्या बताओ, 2a = 1, तो a = 1/2, तो a = 1/2, तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो b = कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, किसी में भी पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें, तो b की वैल्यू 1/2 मिलेगी। अब a 1/2 b 1/2, तो इसमें पुट कर दो, c कितना आ जाएगा बताओ, a 1/2 है b 1/2 है, जीरो, तो c जीरो हो गया, जीरो, तो यहां से हमें tn मिल गया n² / 2 + n/2, तो इस तरीके से ये n² × n+1, ठीक है। और उसके बाद सर मुझे स्टार्टिंग का पार्ट करना है वापस, हाँ एक मिनट, तो ये n × n+1 सर इसके पहले वाला मेथड इजी था, वो मतलब लेने नहीं था ज्यादा, थर्ड डिफरेंस अगर कांस्टेंट आएगा ना फिर वो मेथड में बहुत बार 3-4 बार करना पड़ेगा वो, ठीक है, इसमें डायरेक्टली मिल रहा है, बस तुम्हें ये कैलकुलेशन से डर लग रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अलग कुछ सोचना ही नहीं, जो मैंने स्टेप बताया उसी को फॉलो करना, अलग कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपना। सर मतलब मेथड वन में हम लोग जो माइनस कर रहे थे वही इसमें इजीली हो गया, हाँ वही इजीली हो गया इसमें, हाँ बोलो सर, ये इतना आगे क्यों बढ़े, हम लोग एपी तो मिल गई ना, तो हम लोग उससे सीधा टीएन निकाल सकते हैं, नहीं वो तो है यहाँ पे एपी मिल गई वो तुम्हें दिख गया है ना। सर मैं पूछू कुछ तो, हाँ पूछो अभी सर, मुझे डाउट है सर,
सर अभी टी टू थ्री है सर, तो थ्री इक्वेशन में पुट करने पर देखो ना 9a प्लस 3b प्लस c आता है, तो आपने टी थ्री के लिए लिखा है ना, टी टू थ्री है मतलब n की जगह पे 2 पुट करना है ना, n की जगह पे 2 पुट करना है। अच्छा, और टी थ्री चाहिए मतलब n की जगह पे 3 पुट करेंगे ना। ओके सर। अरे ये देखो ना आप, वो तो देखो तुमने ये यहाँ पे प्रूफ है फिर उसका, टी एन टू डिग्री का क्यों आया, तो यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन में सेकंड मतलब क्या आ रहा था, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, तो मेथड तो ये है, ये तो तुम्हें दिख गया होगा टी एन क्यों आता है इस तरीके का, तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री का, तो इसी को जनरलाइज करते हुए लिखा है हमने यहाँ पे, अगर सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो टी एन 2 डिग्री का, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो टी एन 3 डिग्री का, फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो टी एन 4 डिग्री का, फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो टी एन 1 डिग्री का, ठीक है। यस सर। हाँ बोलो और किसी को कुछ। और सर ऐसे क्या से 4 डिग्री 5 डिग्री का बन गया तो वो नहीं पूछते, थर्ड तक जाते हैं मैक्सिमम। सर ये ए और बी की जो वैल्यू से निकल गई उसके बाद हाँ, ए और बी की क्या वैल्यूज आ गई उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है? ए और बी की वैल्यूज आ गई तो टीएन निकल गया ना, तो टीएन मिल गया, टीएन क्या एसएन क्या होता है, समेशन ऑफ टीएन, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, एक बार टी एन मिल गया, पिछला पेज दिखाओ ना, सब पीछे लो ना, एक मिनट, क्या तुम वही उसी करते रहते हो आगे पीछे, पॉन में सिक्स, हाँ एक मिनट, अब पहले ये लिख लो फिर उसके बाद वो लिखना। सर अगला पेज रुको, तो अब तुरंत ही अगला पेज, बाकी के लोग भी तो सर हाँ? आपने कुछ लिया क्या? और नहीं 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 लिया सर, वो अगला पेज दिखाओ। हाँ एक मिनट रे बेटा, लिख रहे बाकी के, सर 12th के एंड तक तो हम ये स्टार्टिंग का भूल जाएंगे सब, 12th के एंड तक, तो इसी वजह से तो रिवाइज करना है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, रिवाइज करते रहो रिवाइज करते रहो, वही तो खास बात है इस एग्जाम की, जो रिवाइज करेगा भले ही उसको इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आता होगा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपरली स्टडी कर रहा है, रिवाइज कर रहा है टाइम टू टाइम, फिर उसके बाद करंट के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, तो वो निकल जाता आराम से। दिवाली हॉलीडेज 12 से 17 है, किसने बताया ये? स्वप्निल जैन सर। ओके चलो होंगे फिर। कितनी बड़ी क्यों सर्दी? छोटी है सर दिवाली। हाँ सर इतने 6 दिन। हाँ और क्या? चलो लिखो अभी नेक्स्ट। ये स्टेप वाइज ही सॉल्व करना ऐसा है ना, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फिर उसके बाद फिफ्थ में से फोर्थ, तो अपने आप एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्या सर, वो सर मैं बताऊं? हाँ सर, वो एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया? एबीसी निकाला हमने, फिर इसमें पुट कर दिया टीएन में, ए और बी सी,
ओके सर टीएन आया। हाँ तुम क्या कह रहे थे प्रीति? हम लोग इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हम लोग को तो एपी सीधा मिल ही रही है ना सर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आगे क्यों बढ़ रहे। हाँ बोलो प्रशांत सर। वहाँ पे एसएन की वैल्यू एन इन समेशन ऑफ टीएन वहाँ पे 6-3 आएगा ना नीचे? नहीं मैंने वो 2 ये बाहर में 2 एक है ना रे, ये 1/2 इनटू एन इनटू एन प्लस 1। तो एन इनटू एन प्लस 1 का समेशन क्या है? एन इनटू एन प्लस 1 इनटू एन प्लस 2 अपॉन 3 वहां से आ जाएगा। यस चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 7 + 13 + 21 up to n terms, इसका हमें सम चाहिए। सर अपनी 2 डिग्री वाली है ना, 2 डिग्री वाला तो निकालो, एबीसी की वैल्यू निकालो जल्दी। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाने चाहिए, ऐसा क्यों सिमरन? ऑनलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट कुछ करेगा फिर? गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट बस हाथ पे हाथ धरे बैठा है, इसको जेल में डाल उसके जेल में डाल, ये कर रहा है बस गवर्नमेंट। और कुछ भी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, है ना। बहुत डर है अपने गवर्नमेंट को। ये क्या 2n + 2? TN ना 2 डिग्री का आता है TN। हाँ ABC की वैल्यू 1 आ गई। तुमने कहा लिखा यार गलत है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है। ए और बी दोनों की वैल्यू 1-1 आती है ना? हाँ सही है दर्शना, तुमने क्या लिखा, n बाय 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n + 5। एक मिनट, हाँ सही है, सही है दर्शन। अरे नहीं हर्षवर्धन ये नहीं आएगा यहाँ पे, देखो अब 3, 7, 13, 21 ये चलता जाएगा, अब डिफरेंस निकालते जाएंगे 4, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, एक मिनट ये कितना आ रहा है 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 8, तो 2, 2 कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, सेकेंड नंबर का, तो इसकी वजह से टीएन होगा 2 डिग्री का, ठीक है टीएन 2 डिग्री का होगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, इसमें टीएन फाइंड करना है एसएन क्या, इसमें टीएन फाइंड करना है या फिर एसएन? एसएन चाहिए। तो ये एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी आ गया। अब हमें टी वन टी टू टी थ्री पता है, टी वन यहाँ पे है
ए प्लस बी प्लस सी कितना है, थ्री है। फिर उसके बाद टी टू यहाँ पे है फोर ए प्लस टू बी प्लस सी दैट इज सेवन, एंड टी थ्री है नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इतना यहाँ पे थर्टीन है। ठीक है, अब इनको साइमल्टेनियसली जब तुम सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यू कर लेना, आप मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड ये थर्ड है, इसको सॉल्व कर लेना तो ए बी सी की वैल्यू वन वन आ जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ए बी सी की वैल्यू वन वन आ जाएगी। तो यहाँ से हमें टी एन मिलेगा एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस वन, और एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन होता है। तो इसमें समेशन ऑफ एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस वन, इसका समेशन करेंगे तो स्प्लिट कर देंगे, समेशन एन स्क्वेयर समेशन एन प्लस समेशन। फिर मैंने उस वाली मेथड से किया, तो दोनों से करो कोई नहीं, लेकिन थर्ड डिफरेंस वो जो पहले नहीं बताई थी, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन उसमें तुम करके देखो। यहाँ पे समेशन एन हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एंड ये एन। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एन को बाहर ले लो, एन को जब बाहर ले लेंगे तो अंदर में देखो क्या बच्चा रहेगा, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। तो एलसीएम वगैरह लेके और सिंप्लीफाई करो आगे। ठीक है सर, ऐसे ही रहने दिया तो नहीं चलेगा क्या? ऑप्शन के रहने दिया तो नहीं चलेगा, ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा सा हमें बढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर सिक्स एट हम लोग को एटी मिल गए ना, तो हम लोग इतना ए बी सी के वैल्यू क्यों निकाल रहे, सीधा हम फॉर्मूले में तो पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, सेकंड में हमें क्या मिल गया, एपी मिल गई। हाँ ठीक है, फिर यहाँ से इसका जो सम आएगा वो एपी रहेगी, इसका सम एपी रहेगी, इसकी लास्ट टर्म नहीं। ठीक है, इसका सम एपी रहेगी। जरा क्वेश्चन देखो, हमने जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट मेथड जो है उसमें देखो क्या किया है, इन सब का सम डिफरेंस करने के बाद जो आ रहा है उन सब का सम एपी में है, और टी एन हमें कैसे मिला, मतलब ये जो है ये एपी में है, और टी एन कैसे मिलेगा, इन सब के सम से। ये देखो ना टी एन, इन सब का सम करेंगे तब टी एन मिलता है, ये नहीं कि उसकी लास्ट टर्म लिखने पे टी एन। सर पहली वाली थोड़ी लेंदी लग रही, ये इसी को करना तुम, एक जनरल तरीका मतलब, और भी कभी जीपी भी बनती है तो उसमें भी इसी तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, मेरा सजेशन है ये सेकंड मेथड ही तुम अप्लाई करो, उसके बारे में मत सोचना। वो तो बस मैंने दिखाने के लिए लिखा था कि सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आने पे टी एन टू डिग्री का क्यों आता है। हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है, एस इज इक्वल टू टू प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टी सिक्स प्लस एट्टी प्लस वन फिफ्टी अप टू एन टर्म्स। यहाँ पे बीच में 252 भी है आगे आना, अप टू एन टर्म्स, इसका सम चाहिए, इसका सम करो।
इसमें लॉग के भी सवाल होते हैं ना, हो सकते हैं अगर लॉग को मिक्स करते हुए कोई सीक्वेंस बन रही है तो लॉग के भी सवाल हो सकते हैं। सर तो कांस्टेंट हो रहा ही नहीं है। हो रहा है सर, 3 डिग्री भी हो रहा है। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता है इसका, ठीक है, इसका थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। ये देख लो, क्योंकि ये 2, 12, 36, 80, 150, 252 ऐसे लिखो, तो इसमें 12 माइनस 2 कितना 10, 36 माइनस 12 कितना बचता है 24, ये 44, ये 102, 102, 102, तो इसमें चार इसमें से इसको माइनस करेंगे 14, 20, 26, 26, 32, 66, तो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तो टीएन यहाँ पे होगा एएन क्यूब प्लस बीएन स्क्वायर प्लस बीएन प्लस डी। तो अब हमें यहाँ पे चार T1, T2, T3, T4 की जरूरत पड़ेगी। वो करो सर, T3 तो लाइक 36 का स्क्वायर, 36 का क्यूब, क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं, गलत गलती से हो गया। हाँ सही है, एबीसी की पहले वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब हमें T1 पता है, T2 पता है, उससे निकालते जाओ। ऐसे क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं गए आज तक कभी, मैथ्स एडवांस किसी में नहीं, लेकिन हाँ ये बाकी के जो एग्जाम होते उसमें पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि सिर्फ हम मेंस एडवांस के लिए थोड़ी जा रहे, बाकी के एग्जाम्स को साथ लेके चल रहे ना उसके सिलेबस को, तो जैसे बीट्स, वीआईटी, ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाने के चांस है। फिर उसके बाद तुम जो केवीपीवाई दोगे अभी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। सिक्वेंस सीरीज के ऊपर तो उनका ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एक नंबर सिस्टम का पार्ट है ये। और ये वैसे क्वेश्चंस बस लेंदी है, बाकी थिंकिंग वाइज देखा जाए तो आसान है, इतना ज्यादा है उसमें, बस थोड़ा सा एक लेंथी कैलकुलेशन आता है इसमें, इतना सही है। मेन फोकस तो उनका मेंस और एडवांस अगर की जाए तो मेन फोकस रहता है एपी जीपी एचपी एएम जीएम एंड समेशन ऑफ सीरीज, तो इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस हर बार इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ इसमें बताओ, एबीसी की वैल्यू मिल गई क्या सर? एक मिनट, मिलने वाली? नो, मिलने वाली है क्या? नेक्स्ट पेज पे देख देता हूँ। अब यहाँ पे T1 सर, इसमें बहुत सॉल्व करना पड़ रहा है। हाँ, A प्लस B, T1 है B, सर बहुत ही सॉल्व करना पड़ रहा है।
और क्या, क्योंकि ये चार वेरिएबल चार इक्वेशंस। सर ए वन है, आ गया मेरा पहले पहले आ गया क्या? चलो बढ़िया, ए वन है, बी वन है, सी जीरो है, डी जीरो। हाँ सही है, ये कैलकुलेशन से मत डरो रे, और ये इजी कैलकुलेशन से इतने ज्यादा टफ नहीं है सर। टफ नहीं, कितने बड़े टफ नहीं है, पर देख रहे हैं ना, लेकिन तो लग जाएगा हिंदी। हाँ हिंदी, क्या क्या हो गया सर? अभी मिलेगी एक ही वैल्यू, वो बोला आधा घंटा लगेगा टायर कैलकुलेशन को। इतना भी ज्यादा, इसमें अपने आप को मत समझ बे तू बेवकूफ, ज्यादा ज्यादा ही होता है। हाँ भाई, इतना भी अपने आप को कम मत समझ, तू इतना बेवकूफ नहीं है, होशियार है तू। फिर उसके बाद टी फोर, अब ये सी वन सी जीरो डी जीरो। हाँ सही है, बेचारा नहीं करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 80, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे हमें मिलेगा 7a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 10। हाँ सर हम समझ जाएंगे, आप डायरेक्टली लिख दो ना। डायरेक्टली लिख दो क्या एबीसी की वैल्यू? A, B, C, D. तो यहाँ से जो टी एन है ये आ जाता है एन क्यूब प्लस एन स्क्वेयर, तो Sn आ जाएगा समेशन ऑफ Tn, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो ये समेशन ऑफ n क्यूब ये रहता है n इनटू n प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 दो स्क्वायर, एंड यहां पे n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये इसका आंसर है। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में n की वैल्यू पुट करके तुम ऑप्शन मैच करवा सकते हो, लेकिन अगर ये इंटीजर टाइप में वगैरह कुछ आया फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। सर एकदम वो कॉमर्स के टैली करने जैसे ही, मतलब एक थोड़ा भी गलती हो गया बीच में तो गया पूरा सम। हाँ पूरा गया। यहाँ के बहुत ही खिचड़ी हो गई है। खिचड़ी क्या? ट्रिग्नोमेट्री बहुत आगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद रखोगे, अप्लाई करना बस मुश्किल हो जाता है वहां पे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं। कौन सा लगाए सर? सर वो अनअकैडमी का वो जेई पेपर के सॉल्यूशंस दिखाते हैं ना वो। हाँ। वो देख रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आता सर, अभी तो क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब अभी तक कुछ मतलब बहुत आगे का है ना। हाँ सर, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री सर उनका सिलेबस बहुत आगे है सर, अगर हमने नहीं वो पूरे पेपर एडवांस का सॉल्यूशन दे रहे थे तब। हाँ टा तुम पहले लिखो जल्दी। हाँ अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री ड्रॉप किया तो क्या होगा सर, कितना नुकसान होगा? बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, चार मार्क्स तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं सर ड्रॉप कर दिया सीधे, तो पढ़ाई नहीं किया तो उसका एग्जाम में कितने, आपने बोला चार चार मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री बदला लेगा, चार चार मार्क्स फिर तो बहुत नुकसान होगा अगर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं उसका। तो ये लास्ट में मैंने लिखा है 2n + 1 समेशन ऑफ n स्क्वायर। हां सर वो कंबाइन क्वेश्चंस आए तो कंबाइन फिजिक्स में भी उसका यूज आएगा। हां लास्ट स्टेप कैसे किया? लास्ट स्टेप में क्या किया? इसमें समेशन ऑफ एन क्यूब एंड समेशन ऑफ एन स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एन क्यूब ये होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर ये होता है। हो गया? हाँ सर। यस सर।
अब ये तो डिफरेंस कैसा आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, अब डिफरेंस जीपी में भी आ सकता है, ठीक है, तब कैसे अप्रोच करेंगे वो सुन लेना, क्वेश्चन में लिखता हूँ, पहले सुनना इसको। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ये एस एन इज इक्वल टू है 1 + 4 + 10 + 22 up to n terms, तो इसमें देखो डिफरेंस अगर हम लेंगे 1, 4, 10, 22, तो 4 में से 1 गया 3, फिर 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6, फिर 22 में से 10 गया 12, ये आ जाएगा। फिर अब मान लो तुम्हें यहाँ पे जीपी नहीं दिखी, दिख गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिखी तो क्या करना, आगे चले जाना, तो आगे जब जाओगे तो डिफरेंस फिर से सेम आने लग जाएगा, तो तुम वहां से समझ जाना कि ऑलरेडी हमें ये जो डिफरेंस है फर्स्ट डिफरेंस वो किस में मिल चुका है, जीपी में मिल चुका है, जीपी में, ठीक है। अब इसकी जो टीएन लिखेंगे हम, इसका जो टीएन आएगा वो ए इंटू, ध्यान से सुनना, कौन से नंबर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, फर्स्ट नंबर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, तो जो टीएन आएगा वो ए इंटू कॉमन रेशियो, ये जो जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो की पावर में एन माइनस वन प्लस बी, ये उसका टीएन आएगा, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आया, तो अगर सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट, ये कहीं पे मार्जिन में लिख लो तुम, इफ फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट नहीं जीपी में, इफ फर्स्ट डिफरेंस इज इन जीपी, इफ फर्स्ट डिफरेंस इज इन जीपी, तो टीएन को ऐसे लिखना, ठीक है। इफ सेकेंड डिफरेंस, इफ सेकेंड डिफरेंस इज इन जीपी, तो जो टीएन आएगा वो रहेगा यहां पे ए इंटू कॉमन रेशियो की पावर में एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस सी। फिर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा और जीपी में आएगा तो कैसे लिखेंगे, थर्ड डिफरेंस इज इन जीपी, ए इंटू कॉमन रेशियो रेस टू एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस, थोड़ा सा सोच समझ के, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो सिर्फ बी, सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट है तो bn plus c, है ना, bn square plus c plus d, bn square plus cn plus d, ये कॉमन रेशियो की पावर में n माइनस वन bn square plus cn plus d, तो ये आ जाएगा tn। वैसे जरूरत तो इन पहले दो की पड़ती है, तीसरे के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनता है, या तो फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट जीपी में या तो सेकेंड डिफरेंस जीपी में, ये बन सकते हैं क्वेश्चन, तो ये लिख लेना। अगर कांस्टेंट आते हैं फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट तो टीएन 1 डिग्री का, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट तो 2 डिग्री का, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट तो 3 डिग्री का, वैसे ही यहाँ पे अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में है तो टीएन ये आएगा, सेकंड डिफरेंस जीपी में है तो टीएन ये आएगा, थर्ड डिफरेंस जीपी में है तो टीएन ये आएगा, ठीक है। यस सर, चलो ये लिख लिया होगा तुमने, यहाँ पे तो कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, फर्स्ट नंबर का डिफरेंस तो जीपी में आ रहा है, फर्स्ट नंबर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, उसकी वजह से टीएन ये है। अब उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे, ये जीपी का 2 है ना, तो 2 की पावर एन माइनस वन प्लस बी, ये जीपी, ये वाली, इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो यहाँ पे T1 मतलब A प्लस बी, एन की जगह पे 1 पुट कर देना, 2 की पावर 1 माइनस 1 0, तो 2 की पावर 0 1 A प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद T2 मतलब आ जाएगा 2A प्लस बी इक्वल टू 4, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो A इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड B इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो जो टीएन हमें मिलेगी वो टीएन यहाँ पे रहेगी 3 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 2। अब एसएन क्या होता है, समेशन ऑफ टीएन,
तो समेशन ऑफ टी एन 3 × 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 2, तो इस समेशन को हम स्प्लिट कर देंगे समेशन ऑफ 2, है ना, ये 3 × 2 की पावर एन माइनस 1 एन 2 के साथ। अब ये देखो यहाँ पे एन की जगह पे वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे हम, तो एन की जगह पे सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, फिर उसके बाद समेशन में यही तो करते हैं ना, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते हैं अप टू एन और उन सबका सम लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अप टू 2 की पावर n-1, एंड ये इसका समेशन क्या आ जाएगा, समेशन 2 बताओ 2n, और ये क्या इसका सम लिख सकते हो क्या अब तुम, क्या ये जीपी है, जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n, n कॉमन माइनस 2, तो इसका सम आ जाएगा 1 × 2 की पावर n-1 तो इस तरीके से 3 × 2 की पावर n-1 - 2, ये इसका आंसर है, तो लिखो इसको पिछला पेज लो ना सर। सर हाँ बोलो, आपने वो ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली वो एक बार बता दो। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज की, 1 है, इसका मतलब टी 1 है, तो हमने एन की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है, एन की जगह पे 1 पुट किया तो ए प्लस बी 1 आ गया, फिर उसके बाद टी 2 एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो एन की जगह पे 2 पुट किया तो ये ए इंटू 2 की पावर 1, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो 2a प्लस b एंड t2 कितना है 4 है, अभी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो b भी कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 3 आ जाता है, एंड a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो b इज इक्वल टू -2। यस सर आ गए सर, सुन अगला पेज नेक्स्ट। हो गया सर, डन सर, हो गया सर, चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ये खत्म हो जाएगा। सर अभी 15 मिनट्स बाकी है, नहीं इसके ऊपर बोला मैंने, इसके ऊपर लास्ट पार्टिसिपेंट्स देख लो, कोई नहीं देख लेंगे रिकॉर्डेड बोलो, अब क्या करें बाद में तुम ही लोग चिल्लाओगे सिलेबस सिलेबस, वही सर आप सर सिर्फ 24 लोग बचे, हाँ 24 ही लोग बचे, हाँ तो क्या हो गया देख लेंगे वो लोग, तुम तो पढ़ो ठीक है, अभी और सिलेबस कवर करनी चाहिए सर, वही नहीं चलो तुम लिखो इसको सॉल्व करो सर, कभी कभी मैंने सर ऐसे अगर ऐसे ऐसे लोग ज्यादा लेफ्ट हो जाते ना तो मनीष सर ज्यादा लेक्चर एक्सटेंड कर देते, हाँ सर, हाँ सर, उनको सजा जाता है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे 1 बजे तक लेना है, मैं 1 बजे तक लूंगा 1.5 घंटे। सर आज आपकी तारीफ हुई बताया क्या सर आपको मनीष सर के क्लास में, सर बहुत क्यों, यस सर, हाँ सर ने पूछा कि कौन परफेक्ट लेक्चर लेता है, हमने बोला 20 सर
अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है फिर, बस मुझे रिजल्ट चाहिए तुम लोगों से, है ना, ये इसी के लिए चल रहा है सब कुछ। देखना चाहता हूँ बढ़िया बढ़िया आईआईटी, बहुत बड़ी स्टोरी थी पर अभी बताते बताते टाइम ही जाएगा। ऐसा हाँ भाई, स्टोरी वेरी कुछ नहीं, अभी ये इसको लिखो तुम। मुझे तो बस ये चाहिए, तुम लोग मुझे 2 साल बाद बढ़िया बढ़िया आईआईटीज में दिखने चाहिए। सर ये 23 ही लोग रहेंगे, कोई नहीं टेंशन मत लो, 15 मिनट है तब तक मैं पढ़ाऊंगा, कल ये खत्म हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज। तो इसमें बताओ कौन से नंबर का डिफरेंस जीपी में आता है, सेकंड नंबर का है ना? सर मेरा आंसर, तुम क्या कर रहे हो हितेश, ये क्या आंसर लिखा है तुमने? n into n plus 5 upon 2, क्या ये? यहाँ देखो ये 9, 16 मान लो, कभी कभी नहीं दिखता है कि जीपी आ चुकी है, तो क्या करना, डिफरेंस करते जाओ तुम आगे। ये 9 minus 16 किया तो कितना आ जाएगा, 7। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25, इनके बीच का डिफरेंस किया तो ये 14। एक मिनट, कितना आ रहा है ये, 49। और इसके बीच का, अब ये तो जीपी में तो किसी भी हाल में नहीं है, आगे जाएंगे तो ये 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12। नाइन आ रहा है क्या? नहीं सर, 12। और ये कितना है, 24। मान लो अभी तुम्हें नहीं दिखा कि यहाँ पे जीपी आ चुकी, तो अगेन आगे बढ़ जाना, तो ये देखो अगेन आगे सेम टर्म्स आने लग जाते हैं, 6, 12, 24। तो इसका मतलब जीपी ऑलरेडी आ चुकी है, कांस्टेंट तो कभी नहीं आने वाला है, ठीक है? और जीपी आ चुकी है कौन से नंबर के डिफरेंस में, जीपी आ चुकी है सेकेंड नंबर के डिफरेंस में, तो इसकी वजह से ये जो टीएन होगा ए इंटू, इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 2 है, 2 तो 2 की पावर में n-1 प्लस bn प्लस c, ये इसकी nth टर्म होगी, ठीक है? अब यहाँ से abc निकाल लेंगे, तो यहाँ देखो t1 जो है, t1 9 है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c 9। फिर उसके बाद t2 मतलब n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से ये दिख रहा है 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 16। एंड फिर उसके बाद t3 मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू ये 29। और ये सॉल्व करना आसान है, अब ये देखो तुम c तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो सी कैसे निकालोगे बताओ, सी 2 माइनस, हाँ थोड़ा सा सोच समझ के बताओ सर, एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी पहले में से, तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये ऐसे करना, सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस 2 इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a 2b कैंसल आउट हो जाएंगे, 2c माइनस c कितना आएगा, c, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 18 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 2, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है? और c इज इक्वल टू 2 आ गया, निकाल सकते हो, लेकिन c इजीली मिल जाएगा ना पहले ही, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब c की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करो, तो a प्लस बी मिल जाएगा हमें, a प्लस बी मिलेगा कितना, 7, एंड यहाँ पे एक बार पुट कर देना थर्ड में, थर्ड में पुट करेंगे, हाँ थर्ड में जब पुट करेंगे c की वैल्यू, थर्ड में पुट कर देना, तो यहाँ से ये मिल रहा है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 27, तो ये यहाँ पे मान लेना ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, हमने क्या किया c की वैल्यू उठा के फर्स्ट एंड थर्ड में पुट कर दी, तो
तो a प्लस बी सेवन, फोर ए प्लस थ्री बी ट्वेंटी सेवन, ये मिला। अब इसमें से हमें a और b चाहिए, तो क्या करना तुम ये कर देना, क्या फोर इंटू फोर्थ माइनस फिफ्थ, ये कर देना। तो ये फोर ए गया, तो फोर बी माइनस थ्री बी बी बचेगा, और ये 28 माइनस 27 वन। तो c और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, therefore अब a की वैल्यू c और b ये 2 और 1, तो a कितना आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू 6 आ जाती है। तो यहाँ पे जो tn आएगा वो कितना 6 इंटू टू की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2। अब उसके बाद sn क्या होगा, समेशन ऑफ tn, और समेशन ऑफ tn 6 इंटू टू की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2। तो यहाँ पे समेशन को तीन में स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे 6 बाहर, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस समेशन n प्लस समेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसका समेशन ऑलरेडी देख चुके हैं हम, एक जीपी बनती है, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये इसका समेशन आएगा। इसका समेशन आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका समेशन 2n, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है अब ये? हाँ सर। यस सर। डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे हैं, तो डिग्री में बात करेंगे, है ना? हाँ बोलो। सर ऐसे सम एडवांस में आने लायक है क्या? हाँ आ सकता है, ऐसा आ सकता है एडवांस में। सर एडवांस की सबसे इजी क्वेश्चन है ना? कौन से? ये अरे डिपेंड करता है, एडवांस में ऐसा नहीं बोल सकते कि एक आध टॉपिक के ऊपर अगर टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो बहुत टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। जितने भी हम टॉपिक्स उठाएंगे एडवांस के, सारे टॉपिक्स के ऊपर भी अगर बात करें हम, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन एडवांस ऐसा करता नहीं। कुछ टॉपिक्स के इजी क्वेश्चन होते हैं, किसी के टफ होते हैं, तो वो अब डिपेंड करता है, आसान वो चेंज होता है। Easy topics के tough question और tough topics के easy question। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर वो जो JEE का पेपर सेट करते हैं सर, उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा? वो तो उन्होंने PhD वगैरह की हुई रहती है, मतलब वो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं ना, IITs के प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनके लिए तो PhD चाहिए ही। उनके बच्चों की तो सर उनके बच्चों की तो मजा है सर, उनके बच्चों की ऐसे थोड़ी ना है कि बच्चों को पेपर बांटने इतना पेपर का नहीं सर। हाँ। के बेस्ट अरे नहीं वो तो बस क्वेश्चन बनाते हैं, उनसे भी पैसे लेंगे सर। हाँ बोलिए सर। अगर हम हमारी ये बुकलेट भी सॉल्व करेंगे तभी भी हो जाएगा ना, मतलब आराम से